सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज डॉक्टर हनुमान साहब के जन्म दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग कुछ इसके विषय में चिंतन करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। साथियों, 1755 के 10 अप्रैल को जन्म लेकर और 2 जुलाई 1843 में देह को त्याग करने के पश्चात आज 268वां वर्षगांठ हम लोग 2023 में मना रहे हैं। पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती जा रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है, जर्मनी के एक छोटे से गांव से पैदा लेकर आज पूरे विश्व में इनका नाम हो जाना वास्तव में इनके सिद्धांतों का के पीछे में जो रहस्य है या गहराई है या सच्चाई है उसका ही क्योंकि कोई भी सच कोई भी झूठ इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर में कोई सॉलिड कोई ठोस उसके सत्य होने का आधार ना हो। और आप जानते हैं कि प्रकृति ही सबसे सत्य है और प्रकृति के उपलब्ध नियमों के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। और शायद इसी सोच के कारण डॉक्टर हनुमान ने जो उस समय में तत्कालीन चिकित्सा पद्धति थी उससे अलग होकर होम्योपैथी के विषय में सोचना प्रारंभ किया, कुछ लीक से हट करके कुछ अलग सोचा। और इनके इनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों विपत्तियों और बाधाओं को झेलते हुए ये अपने पूरे जीवन काल में इस होम्योपैथी को स्थापित करने में सफल हो पाए थे। और आज इनके मरने के बाद भी आज भी यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। हम देखते हैं कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ की होम्योपैथी के चिकित्सक नहीं है और चिकित्सा नहीं हो रहा है, या उस देश में होम्योपैथी के विषय में लोगों की जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन सभी जगह होम्योपैथी की जानकारी है। तो हमें यह जानना होगा कि सिद्धांत पर चलते रहने से हमेशा सफलता मिलती है और हमेशा सच के साथ चलने से ये आपका जीवन जो है सो अच्छा हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टर हनुमान ने अपने ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन के जो मूल प्रस्ताव के पहले पहले लिखा था, डेयर टू बी वाई और ट्रुथ बी ऑल मोर्टल नीड्स, सत्य को सभी हम नश्वर शरीर वाले जान चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है। और जब इच्छा सत्य की प्राप्ति होती है तो हम अपने जीवन के अंत समय में यह कहते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। क्या हम आज इस वर्तमान परिस्थिति में होम्योपैथी का इतना विकास अपने देश में भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है, सरकारी मान्यता मिल रही है, लोगों से लोकप्रियता लोगों के साथ में बढ़ता चला जा रहा है, क्या हम इस होम्योपैथी के लिए अपने आप में देखें कि हम कितना अपने आप को होम्योपैथ बना पाए हैं? क्योंकि होम्योपैथ हो जाना, एक चिकित्सक हो जाना इस बात से निर्भर नहीं करता है कि आपके पास में कोई डिग्री है या कोई अपने ज्ञान हासिल किया, आपके व्यवहार में होम्योपैथी कितना है, आपके अंदर में इनके जो मूल सिद्धांत है समानता का, एक दवा का देने का कितना सिद्धांत है। वर्तमान के चकाचौंध में, आधुनिकता के चकाचौंध में बहुत सारी कंपनी बहुत सारे पेटेंट दवा बना रहे हैं, और मैं नहीं कहता हूं कि उनके विचारधारा क्या है, गलत या सही है, लेकिन हम अगर होम्योपैथी हैं तो उन इस बात को हमारा प्राथमिकता देनी होगी कि हमें सिंगल मेडिसिन और सिमिलिमम मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है। और अगर हम आप मूल सिद्धांत से अलग हो जाते हैं तो आप होम्योपैथी नहीं कर रहे होते हैं, और होम्योपैथी नहीं कर रहे होते हैं और जिस दिन यह होम्योपैथी के मूल सिद्धांत
इसके साथ में अलग हो जाएगा, होम्योपैथी की पहचान खत्म हो जाएगी। होम्योपैथी को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके अंदर में दवा कम दी जाती है, एक ही दवा दी जाती है और वह भी सिमिलिमम मेडिसिन दी जाती है, इसी के कारण होम्योपैथी है। अन्यथा अन्य चिकित्सा पद्धति में और होम्योपैथी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो साथियों, आज के दिन हम लोगों को यह सोचना आवश्यक है, सोचना जरूरी है कि हम कितना अपने, ये आत्मविश्लेषण का समय है, आत्मदर्श का समय है, जहाँ की हम होम्योपैथी अपने अंदर में कितना विकास कर पाए। हाँ, हमारी शिक्षा, हमारा अध्ययन और एक जो चिकित्सक के लिए होना चाहिए वो आवश्यक ही है और हम लोग उसमें निपुणता हासिल किए हैं, डिग्री प्राप्त किए हैं, उस डिग्री का सही अनुपालन तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने आप को होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में सिद्ध कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत सारे चिकित्सक हैं, लोकप्रियता इस बात का मान्य नहीं होता है कि वह होम्योपैथी है, उनके व्यवहार है, बहुत सारे इसके साथ में तत्व जुड़े हुए हैं जो इनके लोकप्रियता और प्रैक्टिस में सक्सेस का आधार बनता है। लेकिन एक होम्योपैथिक चिकित्सक बने रहना और स्थिर रहना, आपके मन की स्थिरता बनी रहे और आपके अंदर में होम्योपैथी के विश्वास, अगर आपको खुद इस सिंगल मेडिसिन और सिमिलिमम मेडिसिन पर विश्वास है, तभी आप रोगी के अंदर में भी विश्वास पैदा कर सकते हैं, अन्य लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं अगर होम्योपैथी के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके अंदर मन में शंका बनी हुई है कि ये होम्योपैथी दवा काम करेगा नहीं काम करेगा, तो शायद आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप इसका सही इस्तेमाल व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो आज समय है, हम लोग चिकित्सा को व्यवसाय जरूर है हम लोगों का, या इसमें अंदर ही हमारा जीना है, उसी के साथ में मरना है और इसी के साथ में हम लोगों को रहना भी है। लेकिन इसके साथ में रहने के लिए हमें यह भी सोचना होगा कि होम्योपैथी कैसे बरकरार है, क्योंकि होम्योपैथी रहेगा तभी हम रहेंगे, होम्योपैथी नहीं रहेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को आज चिंतन करने की आवश्यकता है, या आज इतने सालों के बाद भी जो 268 वर्ष बीत गए, इतने लंबे रास्ता को तय करने के पश्चात भी होम्योपैथी जिंदा है, इसलिए कि उन लोगों के कारण, उन चिकित्सकों के कारण जो होम्योपैथी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित है, न कि जो विचलित हो गए होम्योपैथी के नाम पर कुछ कर, ये उसके कारण नहीं है। होम्योपैथी इसलिए टिका हुआ है कि होम्योपैथी के फॉलोअर्स जो है, इसके समर्थक जो है, वह होम्योपैथी के सिद्धांतों का परिपालन किया है, अनुपालन किया है और उसको अपना जीवन का विचारधारा। आज पूरे विश्व में इस तरह के होम्योपैथी हैं और इसी के कारण से ये इसका विस्तार विस्तार होता चला जा रहा है। आपको मान्यता मिली है, सरकारी मान्यता होम्योपैथी को है, इसका भी यही कारण है कि सरकार ने आपके इस सत्यता को विश्वास किया है, इस सत्यता को माना है कि इसके अंदर में कम दवा दी जाती है, खर्चीली कम है और लोगों के हित में, मनुष्य जीवन के हित में यह काफी लाभकारी है, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आपको एक समर्थन मिला है, बहुत बड़ा आपके ऊपर में विश्वास सरकार ने किया है। सरकार का आपके ऊपर में विश्वास तब तक बना रहेगा जब तक आप होम्योपैथी के विचारधारा पर चलेंगे। होम्योपैथी के विचारधारा से अलग होकर जाएंगे तो धीरे धीरे सरकार भी उदासीनता होती जाएगी और इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे। ऐसा हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि हम लोग फिलोसॉफी पर हमारा दार्शनिक स्वभाव होता है, तो हमारे देश में यह बहुत ही विकसित हुआ है, हम लोग बहुत जल्दी विश्वास हम लोगों ने किया है। अन्य देशों में अभी भी कई एक देशों में इसको शंका की नजरों से देखा जाता है, जहाँ राजकीय सम्मान इनको नहीं प्राप्त है, लोग अपने शौकियत रूप से होम्योपैथी को प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग आज वैसे जगह पर हैं, होम्योपैथी आज भारतवर्ष में एक काफी सफल चिकित्सक, लोकप्रिय चिकित्सक चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। इसका इसको बनाए रखने के लिए, इस विश्वास को कायम रखने के लिए हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम होम्योपैथी के साथ में कोई भी
इसके साथ में समझौता ना करें। होम्योपैथी है तो हम हैं, और होम्योपैथी रहेगा तो हम रहेंगे, यही हमारा अंदर में धारणा चाहिए। अपने अंदर में आत्मविश्वास बढ़ाइए, एक दवा में, छोटी सी दवा में कितनी बड़ी शक्ति है, इस बात का अनुभव करने का कोशिश कीजिए और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप देखते होंगे एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति होती है कि एक बहुत बड़ा पेड़ का जन्म दे सकता है, एक बहुत बड़ा बरगद वृक्ष का तैयारी हो सकती है। तो क्यों नहीं इस छोटी सी गोली में, जो कि जहाँ की भौतिक तत्व नहीं नहीं होता है, केवल ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा स्वरूप दवा कितना शक्तिशाली होगा इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो इस शक्ति को पहचानिए, अपनी आत्मविश्वास को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, दवा की शक्ति को पहचानिए, दवा के सिद्धांत को, होम्योपैथी के सिद्धांत को अनुसरण कीजिए, और आपके सामने में आपका रास्ता, आपके अंदर में एक स्वस्थ और भविष्य जो है सो काफी उज्जवल रहेगा, और कभी भी आपको असंतोष का भाव नहीं होगा, और आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर यह महसूस कर पाएंगे कि मेरा जीवन असफल नहीं रहा। जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने अपने कहा कि माय लाइफ वाज नॉट लिव्ड इन वेन, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तो साथियों, मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आज हम लोग इस बात का अपने अंदर में संकल्प लें कि हम लोग होम्योपैथिक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपने आप को होम्योपैथी के प्रति समर्पित करें। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, और पुनः होम्योपैथी आज इस अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।